प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, टैली का एक नया सॉफ्टवेयर आ चुका है, टैली प्राइम, और इसी को लेकर आज हम टैली प्राइम कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। टैली प्राइम के इस कोर्स में आपको बेसिक से लेकर एडवांस अकाउंटिंग स्किल्स से जुड़े हुए सभी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगे। आज का ये वीडियो विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो टैली कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं। आज की क्लास में हम टैली प्राइम में नई कंपनी क्रिएट करने के बारे में विस्तार से सीखने वाले हैं। लेकिन यदि आप टैली ERP 9 के यूज़र हैं और टैली प्राइम में मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टैली प्राइम से जुड़ा हुआ कंप्लीट प्रैक्टिकल ओवरव्यू अबाउट टैली प्राइम इसे देख सकते हैं। टैली प्राइम में हम किस तरह से काम करेंगे, डेटा को किस तरह से माइग्रेट करना है, ये सारी कुछ जानकारी आपको हमारे पुराने वीडियो से मिल जाएगी। इसी तरह से यदि आप टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वो किस तरह से करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल और एक्टिवेट किस तरह से करना है, फ्री एजुकेशनल वर्जन किस तरह से यूज़ करना है, आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो वो किस तरह से यूज़ करना है, ऐसी सारी कुछ जानकारी आपको हमारे पुराने वीडियो से मिल जाएगी। इन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, आज की ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यदि आपके पास टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो टैली प्राइम को स्टार्ट करते ही जो फर्स्ट स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी उस स्क्रीन पर टैली प्राइम आपको लाइसेंस के बारे में पूछेगा और यहाँ आपको एजुकेशनल वर्जन में काम करने के लिए कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड इस बटन पर क्लिक करना है, अदरवाइज आप शॉर्टकट की टी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे टैली प्राइम आपका स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद हमें जो स्क्रीन दिखाई देती है उसमें हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखाई देती हैं। यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो बस केवल एक बार आपको टैली प्राइम के लिए लाइसेंस एक्टिवेट करना है और जैसे ही आप टैली प्राइम स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको यही स्क्रीन जिसमें टैली में बनी हुई कंपनीज की लिस्ट आपको दिखाई देगी। दोस्तों टैली में कंपनीज का अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। जैसे वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट में हम फाइल्स बनाते हैं और वर्ड में बनी हुई फाइल्स को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, एक्सेल में बनी हुई फाइल्स को वर्कशीट या वर्कबुक कहा जाता है और पावरपॉइंट में बनी हुई फाइल्स को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह से टैली में हम जो फाइल्स बनाते हैं उन्हें कंपनीज कहा जाता है। सरल शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि हिसाब किताब रखने के लिए जो बुक्स हम मैन्युअली मेंटेन करते हैं, हाथ से हम जो हिसाब किताब करते हैं उसी को कंप्यूटराइज करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर में जो फाइल बनती है उसे कंपनी कहा जाता है। तो हमारा सबसे पहला काम यह होगा कि हमें नई कंपनी किस तरह से क्रिएट करनी है। दोस्तों इसीलिए टैली में सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यदि हम नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट हमें क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंपनी क्रिएशन फॉर्म। इस कंपनी क्रिएशन फॉर्म में हम अपनी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टाइप करेंगे। सबसे पहला फील्ड है कंपनी नेम। जिस भी नाम से हम अपनी कंपनी की अकाउंटिंग करना चाहते हैं वो कंपनी नेम हम यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड। उसके नीचे आपको दिखाई देगा मेलिंग नेम। अब दोस्तों मेलिंग नेम का सीधा सा मीनिंग होता है पोस्टल एड्रेस में कंपनी का जो नाम हमें यूज करना है वो हमें यहाँ पर टाइप करना होता है। जनरली कंपनी नेम और मेलिंग नेम एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, कंपनी नेम में आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं, वो नाम आपको टैली की लिस्ट ऑफ कंपनीज में दिखाई देता है। लेकिन मेलिंग नेम में आप जो भी नाम टाइप करेंगे वो नाम आपको इनवॉइस यानी बिल प्रिंट करते समय उस पर दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से कंपनी का जो एड्रेस आप यहाँ टाइप करेंगे वो एड्रेस भी इनवॉइस पर प्रिंट होगा। यहाँ आप एक से ज़्यादा लाइन में एड्रेस को टाइप कर सकते हैं। नीचे आपको फील्ड मिलेगा स्टेट। स्टेट में जैसे हमारा स्टेट राजस्थान है इसलिए मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री हमारा इंडिया रहेगा। पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि आप भरेंगे तो इनवॉइस पर ये प्रिंट हो सकती हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आगे हमको मिलता है फाइनेंशियल ईयर सेट करने का ऑप्शन। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होने वाला है, इट मीन्स हम जिस कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग हमें किस फाइनेंशियल ईयर के लिए रखनी है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग में हमेशा 1 अप्रैल
हमें यूज़ करना है, ईयर हम अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, हम हिसाब किताब के लिए अपनी बुक्स को किस डेट से मेंटेन करना चाहते हैं वो डेट हमें यहाँ पर टाइप करनी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि आपको टैली में दोनों ही डेट्स सेम मिलती हैं, 1 अप्रैल ऊपर भी लिखा हुआ है और 1 अप्रैल नीचे भी लिखा हुआ है। तो जनरली तो ये दोनों डेट्स हमें सेम रखनी चाहिए, फिर भी यदि कोई स्पेसिफिक आपका बिजनेस है और आपने किसी पर्टिकुलर डेट से बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो डेट भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ऊपर फाइनेंशियल ईयर बिगिन 1 अप्रैल ले लेते हैं और बुक्स बिगिनिंग में 31 मार्च ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ये बुक्स बिगिनिंग है, हम हिसाब किताब कब से रखना चाहते हैं वो डेट हमें यहाँ पर इनपुट करनी चाहिए। देन इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग सेव करेंगे और सेव करने के लिए हमें फिर से एंटर प्रेस करना है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए हमें एक्सेप्ट मैसेज बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ आप एंटर प्रेस करते हुए भी इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं या आप कीबोर्ड से वाई प्रेस करते हुए भी इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज आप शॉर्टकट की कंट्रोल ए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में हम सेव करने के लिए जिस तरह से कंट्रोल एस यूज़ करते हैं उसी तरह से टैली में इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। यहाँ हम एंटर प्रेस करेंगे और हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों कंपनी क्रिएट करते ही हमें इस कंपनी के लिए जो भी काम करना है, जो अकाउंट्स मेंटेन करना है, उस अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कुछ ऑप्शंस को हमें इस सॉफ्टवेयर के लिए कॉन्फ़िगर करना होता है। विशेष रूप से टैली प्राइम में आप जैसे ही कंपनी क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन से संबंधित ऑप्शंस को सेट करने के लिए स्क्रीन दिखाई देगी। आज हमारी ये पहली क्लास है और अभी हम केवल बेसिक ऑप्शंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। इस स्क्रीन पर आपको पहला सेक्शन दिखाई देगा अकाउंटिंग से संबंधित ऑप्शंस के लिए, मेंटेन अकाउंट्स जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यस किया हुआ है, हम अपनी कंपनी में अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं। इसके नीचे दिखाई दे रहा है इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये ऑप्शन भी यस है। अब इन ऑप्शंस का क्या मीनिंग है, इनका किस तरह से यूज होगा वो हम आने वाली क्लासेस में सीखने का प्रयास करेंगे। सेकंड सेक्शन में मिलेगा इन्वेंट्री से संबंधित ऑप्शंस के लिए, मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर यस दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से यदि हम अपनी कंपनी में GST से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पर यस दिखाई दे रहा है, और TDS से संबंधित काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी ये ऑप्शन नो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अकाउंट्स हम दो तरीके से सामान्य रूप से मेंटेन कर सकते हैं। ऐसी कंपनीज जहाँ पर केवल सर्विस को परचेज और सेल किया जाता है वहाँ हम अकाउंट्स ओनली में काम करते हैं, और ऐसी कंपनीज जहाँ पर सर्विस के साथ भी काम होता है और गुड्स यानी माल को बेचना और ख़रीदने वाला काम भी होता है तो वहाँ हमें अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री को भी यूज़ करना होता है। यदि आपको लगता है कि आप ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं जहाँ केवल आप अकाउंट्स ही मेंटेन करेंगे, सर्विस ओनली वाला काम होगा, तो आप इन्वेंट्री वाले ऑप्शंस को नो सेट कर सकते हैं। इस तरह से स्टार्टिंग में हम GST के साथ अभी काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं इस ऑप्शन को भी यहाँ नो कर देता हूँ। देन इस स्क्रीन को भी हमें सेव करना है, एक्सेप्ट एंटर प्रेस करते हुए हमें सेव कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक कंपनी को क्रिएट कर लिया है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको एक स्क्रीन पर दिखाई देगा गेटवे ऑफ टैली, जिसमें टैली से संबंधित सारे ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई देंगे। दूसरा जो सेक्शन है वो कंपनी इन्फॉर्मेशन सेक्शन है, जहाँ पर जिस कंपनी को हमने क्रिएट किया था उस कंपनी का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर हमने अभी कंपनी क्रिएट करते समय यूज़ किया था वो फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा है, करंट डेट दिखाई दे रही है और डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वाउचर एंटर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इट मींस अभी हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की करने वाले हैं। अब हमने एक कंपनी तो क्रिएट कर ली, लेकिन मान लीजिए इस कंपनी की किसी इन्फॉर्मेशन में कोई हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं। एक बटन आपको दिखाई दे रहा है F3 कंपनी, जब आप F3 प्रेस करेंगे या कंपनी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी से संबंधित फिर से ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट कंपनी, यदि आप फिर से कोई नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर से क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, जो कंपनी हमने क्रिएट की थी उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन हमें चेंज करनी है तो हम यहाँ पर ऑल्टर कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। हम एक बार इस ऑल्टर कंपनी ऑप्शन को यूज़ करते हैं। देखिए आप फिर से कंपनी क्रिएशन फॉर्म ही हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर अब लिखा हुआ आ रहा है कंपनी अल्टरेशन, यानी जो कंपनी हमने क्रिएट की थी उसकी किसी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे। यदि आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो भी आपको ऑल्टर कंपनी में जाना है और ऑल्टर के साथ डी प्रेस करते हुए आप इस कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों एक बार जब आप ये कंपनी डिलीट कर देंगे तो इसे वापस अंडू नहीं किया जा सकता,
वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की तरह यहाँ पर कंट्रोल जेड काम नहीं करता है, आप इसे अंडू नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ यदि आप इस कंपनी को क्लोज करना चाहें, अभी ये एक्टिव कंपनी है, हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड के लिए करेंगे, उसके लिए हमें F3 में ही ऑप्शन मिलेगा शट कंपनी। आप इस कंपनी को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, टैली आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा यस और नो, आपको यस करना है और कंपनी अब क्लोज हो चुकी है। और यदि हमें फिर से कंपनी सेलेक्ट करनी है तो हम लिस्ट ऑफ कंपनीज स्क्रीन से फिर से अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, टैली प्राइम में शॉर्टकट कीज का भी अपना एक महत्व है। यदि आप कीबोर्ड से ऑल्टर प्रेस करेंगे तो ऑल्टर के साथ जो भी शॉर्टकट्स यूज होते हैं वो हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे ऑल्टर F3 सेलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट है, इट मीन्स हमने अभी सेलेक्ट कर रखा है XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। और यदि हमारे सिस्टम में और भी कोई कंपनी बनी हुई है और हम XYZ प्राइवेट लिमिटेड को बिना क्लोज किए हुए कोई और कंपनी भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें सिंपल ऑल्टर के साथ F3 प्रेस करना है और दूसरी कंपनी को यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी और सेलेक्ट हो चुकी है। जो कंपनी यहाँ पर हाईलाइटेड है वो कंपनी एक्टिव कंपनी कहलाती है और जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो वो ABC प्राइवेट लिमिटेड के लिए अकाउंट्स मेंटेन होगा। और यदि आप XYZ प्राइवेट लिमिटेड को एक्टिव कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आपको प्रेस करना है F3। F3 इसका शॉर्टकट है और अब आप XYZ प्राइवेट लिमिटेड को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बोल्ड लेटर्स में XYZ प्राइवेट लिमिटेड ऊपर की तरफ आ चुका है। इट मीन्स अब हमारी एक्टिव कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। तो दोस्तों, एक से ज़्यादा कंपनीज में हम एक साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं। और यदि आप कंपनीज को शट करना चाहें, बंद करना चाहें, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है कंट्रोल F3। जैसे आप कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे, टेली आपसे पूछेगा किस कंपनी को आपको शट करना है। जैसे मैं ABC प्राइवेट लिमिटेड को शट करना चाहता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें केवल XYZ प्राइवेट लिमिटेड ही दिखाई दे रही है। इसी तरह से आपको जो बटन्स दिखाई दे रहे हैं उन बटन्स के साथ एक एरो की भी दिखाई दे रही है। इस एरो पर आप जब क्लिक करेंगे तो सारे शॉर्टकट्स आपको यहीं पर दिखाई देंगे। सिंपल F3 से एक्टिव कंपनी का सिलेक्शन किया जा सकता है। ऑल्टर के साथ F3 से हम कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल F3 से हम किसी भी कंपनी को शट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ऐसे शॉर्टकट्स जो ऑल्टर के साथ यूज होंगे उनके नीचे आपको सिंगल अंडरलाइन दिखाई देगी और ऐसे शॉर्टकट्स जो कंट्रोल के साथ यूज होंगे उनके साथ आपको डबल अंडरलाइन दिखाई देगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने ये सीखने का प्रयास किया है कि हम टैली में किस तरह से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली GST कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली GST कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं।